हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एक्लेट आईएएस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्सेस जो हमारे यहाँ इंडिया में हैं, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और है हमारा प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। तो हम तीनों के बारे में जानेंगे क्योंकि ये इकोनॉमी के सब्जेक्ट से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है फ्रेम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यहाँ मैंने काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है। हमें ये तीन चार पॉइंट जो है एग्ज़ाम में अगर हमें याद हैं तो हम किसी भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो ये रिलीज़ करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये NSO रिलीज़ करता है। ठीक है, द CPI कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्राइस कॉमोडिटी एंड सर्विसेज सच एज फूड, मेडिकेयर, एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि CPI जो है वो जितनी भी हमारी कॉमोडिटीज़ हैं और सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे कि फूड हो गया, मेडिकल केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, तो इन सब की जो प्राइस डिफरेंस है उसको जो है कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या क्या कॉमोडिटीज़ और सर्विसेज, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, यही डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, बेस ईयर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है वो है 2012। अब जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना वो CPI का ही यूज़ करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, यानी कि इन्फ्लेशन घट रहा है, बढ़ रहा है, हमें उसे कितना कंट्रोल में लाना है, किस तरीके से, वो सारे डिसीजन जो है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को नज़र में रख के लेती है। अगर हम बात करें अप्रैल 2014 की तो ये CPI के थ्रू हम जो है मेज़र कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन को। ये जो है उसको जो है 2014 में अडॉप्ट किया गया था कि हम CPI के थ्रू जो है मेजर करेंगे इन्फ्लेशन को। सो नेक्स्ट जो है हमारा ये कब कब आता है, तो ये मंथली बेसिस पे जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है मंथली बेसिस पर रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, CPI कैप्चर्स द चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ कंज्यूमर एंड ऑल्सो कैप्चर द चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज। तो वही चीज़ हो गई कि कॉमोडिटीज़ और सर्विसेज की प्राइस लेवल में कितने चेंजेस आ रहे हैं, बढ़ रही है प्राइस, घट रही है प्राइस। ऑब्वियसली तभी तो हम जैसे कि प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो है CPI जितनी भी कॉमोडिटीज़ हैं, फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो इन सब में प्राइस का लेवल घट रहा है या बढ़ रहा है, उन सारी चीज़ों को जो है ये कैप्चर करती है। अब हम यहाँ पे CPI जो है रिलीज़ की जाती है NSO के द्वारा, तो थ्री टाइप की CPI होती है। ठीक है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल एरिया में क्या है, एक अर्बन का क्या है, और कंबाइंड दोनों रूरल और अर्बन दोनों का क्या है। तो इन सारी बेसिस पे जो है तीन टाइप के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है रिलीज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब डियरनेस अलाउंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनकी डियरनेस अलाउंस कितनी होगी, ये भी जो गवर्नमेंट है, जैसे कि कितनी उनकी डियरनेस अलाउंस होगी, हम कितना दें, जितनी भी उनका 2000 देना है, 4000 देना है, मतलब एक एग्जांपल हाइपोथेटिकली सेइंग कि 2000 है या 4000 देना है, तो ये सारी चीज़ें CPI में क्या परफॉर्मेंस हो रही है आपकी कॉमोडिटीज़ और सर्विसेज की, उसके बेसिस पर जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्प्लॉयज़ हैं उनका डियरनेस अलाउंस जो है वो बनाया जाता है। यहाँ हमारा नेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी ये होलसेल बिजनेसेस हैं ना, वन बिजनेस एंड अदर बिजनेसेस, उसमें ये गुड्स जो है कितने सोल्ड हो रहे हैं, क्या ट्रेड का रेट चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स में कैलकुलेट की जाती हैं। जितने भी ट्रेडेड और बल्क में जितने भी बिजनेस हो रहे हैं होलसेल के, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। ये जो है रिलीज़ करती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, ये रिलीज़ की जाती है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंदर जो है ये ऑफिस आता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कॉमर्स एंड ट्रेड। अब इसका बेस ईयर जो है, जो ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है उसको रिवाइज़ किया गया। पहले ये 2004 और 5 था, लेकिन उसके बाद 2017 में इसको भी 2011-12 बेस ईयर जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स का बना दिया गया, 2011-12। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अब क्या है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो भी इन्फ्लेशन को दर्शाता है, लेकिन प्रोड्यूसर लेवल को। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बल्क में ट्रेड हो रहा है,
ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो है वो होलसेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर से जो है सामान रिटेलर के पास आता है, ठीक है। और ये जो रिटेलर वाली जो है ना रिटेल, अब ये यहाँ पे सामान कितना महंगा बिक रहा है वो हम देख रहे थे सीपीआई में, फूड्स कितने कितने हो गए, मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं वो महंगी हो गई, तो वो सीपीआई में था। यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर होलसेलर को ही सामान दे रहा है ना बल्क में, ट्रेड यहीं पे हो रहा है ना बल्क ट्रेड, तो सीपीआई जो है कहाँ इन्फ्लेशन जो है मेज़र करेगा, यानी सीपीआई जो है प्रोड्यूसर लेवल पे जो है इन्फ्लेशन को मेज़र कर रहा है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है WPI डज नॉट इंक्लूड चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज। एक चीज़ याद रखनी है कि जो WPI है यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई में सर्विसेज इंक्लूडेड थी लेकिन WPI में सर्विसेज के प्राइसेस में क्या चेंज आ रहा है, कोई भी हम सर्विस ले रहे हैं उसका रेट बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसमें जो भी चेंज आ रहा है उसको वो इंक्लूड नहीं करती है, उसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये चीज़ें नहीं आती हैं। WPI सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी प्रोडक्शन और फ्यूल्स, इन तीनों के प्राइस में क्या क्या, मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रही है, प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या प्राइजेस के लेवल में चेंजेस आ रहे हैं और फ्यूल में क्या चेंजेस आ रहे हैं प्राइजेस में, फ्यूल के प्राइजेस में, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करती है या फिर आप कह लो कि इंक्लूड करती है, जो भी इंडेक्स रिलीज होता है इन सारी चीज़ों की परफॉर्मेंस देखी जाती है, प्राइसेस की परफॉर्मेंस। जो नेक्स्ट है हमारा वो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है ये बेसिकली प्राइस की जितनी भी फ्लक्चुएशन है सेलर के प्रस्पेक्टिव से, समझो आप जो रिटेलर हमें सामान बेच रहा है ना होलसेलर से फिर रिटेलर के पास आएगा ना, तो उसके पॉइंट ऑफ प्रस्पेक्टिव से जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है वो जो है कैलकुलेट किया जाता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में, ठीक है। पीपीआई जो इंडेक्स है वो बेसिकली मेज़र करता है कि जो एवरेज प्राइस चेंज हो रही है किसी भी गुड्स या सर्विसेज की वो क्या है। देखो सीपीआई और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे वो एवरेज प्राइस कैलकुलेट नहीं कर रही थी, पीपीआई जो है एवरेज प्राइस कैलकुलेट करती है, ठीक है, किसकी, गुड्स और सर्विसेज की। अब ये पीपीआई जो है ना ये गोलधर कमेटी ने रिकमेंड की थी कि हमें ये इंडेक्स लाना चाहिए, ठीक है। ये पीपीआई में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो एक्सक्लूड किए जाते हैं, ठीक है, और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन्हें हटा दिया जाता है, लेकिन जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन दोनों को जो है इंक्लूड किया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स को ये एक्सक्लूड करता है। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट कैन बी कैलकुलेटेड आइदर व्हेन द गुड लीव्स द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन या फिर वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में या प्रोडक्शन के फेज़ में एंटर हुए हैं। समझो आप कोई भी सामान जब वो अपना जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है जहाँ पे वो बन रहा है वहाँ से वो बन के उसने वो जगह छोड़ दी तब, या फिर जो है वो कोई भी सामान अभी जस्ट जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में एंटर हुआ है, अभी जस्ट वो बनने, अभी रॉ मटेरियल जो है वो सारे जो है अभी प्रोडक्शन में, मतलब उस पूरे चीज़ को बनाने के लिए जो है जा रहे हैं, तब जो है प्रोड्यूसर प्राइस, तब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं प्राइस में, वो चीज़ जो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में जो है कैलकुलेट की जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इंडेक्सेस। होप यू लाइक द वीडियोज़ गाइज, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, एंड थैंक यू सो मच।